दोस्तों एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम जा रहे हैं एक खूबसूरत वाटरफॉल जो कि यूपी राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किले के नज़दीक सिद्धनाथदरी वाटरफॉल है। यह झरना चारों ओर प्राकृतिक रूप से फैली पहाड़ियों और पेड़ पौधों से घिरी हुई है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। वाराणसी से सिद्धनाथदरी वाटरफॉल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है और चुनार से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। वाया रोड मार्ग आपको यहां आते समय सड़क के चारों ओर मनमोहक प्राकृतिक वातावरण दिखाई देगा जो आपको एक अलग ही आनंद का एहसास कराएगा। रास्ते में आते समय आपको दो और टूरिस्ट प्लेस दिखाई देंगे जो कि एक माता दुर्गा जी मंदिर है और एक स्वामी अड़गड़ानंद जी का आश्रम है जो कि चुनार क्षेत्र का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। बाबा सिद्धनाथ की दरी पहुंचना बहुत आसान है। आप चुनार स्टेशन से राजगढ़ जाने वाले रास्ते के लिए पहुंचे। अगर आपके पास आपकी अपनी खुद की गाड़ी है तो आप इसी रास्ते से लगभग 20 किलोमीटर आगे बाबा सिद्धनाथ की दरी पहुंच जाएंगे या फिर चुनार रेलवे स्टेशन से डेली चलने वाली बसें या टेम्पू से भी आ सकते हैं। मानसून के समय में सिद्धनाथ दरी घूमने लायक होता है। इस दौरान यहाँ पर जलप्रपात काफ़ी तेज़ी से चलता रहता है। दोस्तों इस समय हम झरने से 1 किलोमीटर पहले ही रुक गए और काफ़ी दूर से ही आपको झरना दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत और विहंगम लग रहा है। और अभी हम आगे भी जाएंगे, झरने के पास भी जाएंगे। ये हल्की हल्की बारिश हमारे इस ट्रिप को और भी खूबसूरत बना दे रही है। बाबा सिद्धनाथ की दरी चुनार और चुनार के आसपास के क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जल 100 फीट की ऊंचाई से धरातल पर गिरता है। इस प्राकृतिक जलप्रपात का नाम सिद्धनाथ बाबा के नाम पर पड़ा जो यहाँ साधना किया करते थे। यह स्थल स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा लोग पुराने शैल चित्रों एवं नक्काशियों का अध्ययन करने यहाँ भी आते रहते हैं। दोस्तों रविवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। आप सामने गाड़ियों की संख्या देख सकते हैं और अंदर भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अंदर। दोस्तों अगर आप इस खूबसूरत झरने को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप संडे के अलावा किसी और दिन भी आ सकते हैं। ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। मेरे दाते में नुकसान।
देखिए ये मोटा बच्चा बदहाल अवस्था में, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। नहीं नहीं रोते गाते हुए। इधर एक और बच्ची बदहाल अवस्था में, इसको प्यास लगी हुई है। उम्मीद मत जाओ उधर।